आपके आंसर की में आपने देखा होगा कि कई बार आंसर की में 9 लिख कर आ रहा है, राइट? 9, इसका क्या मतलब हुआ? वास्तव में जब भी सीटेट के पेपर में आपको इनफ डेटा नहीं दिया गया है कि उस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, तो वहाँ पे वो 9 आंसर की में आ रहा है, मतलब उस प्रश्न का उस नंबर जो है वो उसका अंक जो है सभी बच्चों को दिया जाएगा, उसी का ये एग्जाम्पल है। इसमें देखिए क्या कह रहा है, केले की एक पहले गुच्छे में दूसरे केले की गुच्छों की संख्या से 1/4 अधिक है। यदि दूसरे गुच्छे में पहले गुच्छे से 3 केले कम है तो गुच्छों में केलों की संख्या। अब ये प्रश्न हो गया, इसको देखिए कैसे सवाल में गलती कहाँ हुई है और क्यों इसका विकल्प 9 लिख कर आ रहा है। मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास 2 गुच्छे हैं, ठीक है, ये हो गया गुच्छा नंबर 1 और ये हो गया बच्चों गुच्छा नंबर 2। तो यहाँ पे सवाल में कह रहा है कि पहले गुच्छे में दूसरे गुच्छे से 1/4 अधिक है, तो पहले में दूसरे में अगर हम मान लेते हैं एक्स है तो पहले में होगा एक्स प्लस 4, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत, एक्स प्लस 1/4, ठीक है, कह रहा है एक्स प्लस 1/4 होगा क्योंकि यहाँ पे एक्स में कह रहा है कि पहले से 1/4 अधिक है। ओके, अब नीचे कह रहा है यदि दूसरे गुच्छे में पहले गुच्छे से 3 केले कम है, यानी कि दूसरे में 3 कम है, अगर हम दूसरे में 3 और जोड़ देते हैं तो वो पहले के बराबर हो जाएगा, यानी कि x प्लस 1/4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करें, सॉल्व करेंगे तो x x यही ख़त्म हो जाएगा, तो ये इनफ डाटा नहीं है। वास्तव में बच्चों इसका सही आंसर, इसका सही सवाल क्या होना चाहिए था, इसका सही सवाल ये होना चाहिए बच्चों, ये कि केले के पहले गुच्छे में दूसरे गुच्छे के केलों की संख्या से नहीं, संख्या के 1/4 केले अधिक है, ऐसे होना चाहिए था। अगर ऐसे होता तो ये हो जाता दूसरे में एक्स और पहले में एक्स प्लस एक्स बाई फोर, ये हो जाता। अब इस तरीके से सॉल्व करते हैं, अगर इसमें हम 3 केले जोड़ देते एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स बाई फोर, तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करते हैं एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स की वैल्यू यहाँ पे 12 आती, मतलब आपका ये सवाल सही होता। तो इस प्रकार से यानी कि इसमें सही ऑप्शन 3 होगा, हालांकि अगर सही डेटा दिया होता तो इसके नंबर सबको मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं।